मंच पे आसीन सभी अतिथि लोग और हमारी तरफ से धर्मनिरपेक्ष जैसे लोगों की तरफ से जो है जय भीम और हार्दिक अभिवादन आपको, और जिस तरह की जनता यहाँ आई है उनको महादेव, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, नव दलित आंदोलन पे हमें नहीं ज्यादा बोलना है, केवल ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कबीर साहब ने कहा, एक चाप एक बुदा को बाभन को सुना, 600 साल का उन्होंने कहा, हिंदू कह मई राम प्यारा तुरंत कह रही माना, आपस में दो लड़ लड़ मुंह में मरमन को न जाना। और जिस तरह से फक्कड़पन को आगे बढ़ाते हुए कहा, साईं इतना दीजिए जितना कुटुम समाए, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। आगे कह रहे कबीर कहा, कह भरियो ऊंचे देखे वास, काल पड़े भाई लोटड़ा ऊपर जा मैं खा। और पोथी के खिलाफ, पोथी तो समय जो थी पोथियां, हमारे आचार्य जी और लोग लिख रहे थे, कहा पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ भया न पंडित कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा जो पंडित। 600 साल पहले कबीर रैदास सेन नाई समर संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस इलाके में संघर्ष कर रहे थे, फिर भी उनकी मॉब लिंचिंग नहीं हो रही। ये मॉब लिंचिंग क्यों शुरू हुई इसको समझने की जरूरत है। हमें पता है जब हम वेद और उपनिषद के बीच के संघर्ष, न्याय सांग वैशेषिक का संघर्ष, लोकायत का संघर्ष, चारवाक का संघर्ष दिखाई देता है, और उसके बाद आते आते पाणिनि के बाद पाणिनि बद व्याकरण में लिखा हुआ मनुस्मृति ने जिस तरह से जन्मनावरण व्यवस्था को लागू किया, इससे ज्यादा अवैज्ञानिक, इससे ज्यादा अमानवीय, इससे ज्यादा खतरनाक व्यवस्था जो है दुनिया में कहीं भी स्थापित। इस बात के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और कबीर ने इस बात को यहां कहा। और दूसरी तरफ हम ये नहीं कह रहे हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों से नहीं है, क्योंकि उसी भेद में अगर पुरुष सत्व में बात कर रहे हैं तो लोकायत कह रहा है कि सब बराबर है। चारवाक लड़ रहा है, सैकवारैक लड़ रहा है, कणाद लड़ रहा है जो है, परंतु हमारी लड़ाई पुरुषवाद से है, पुरुष के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है, परंतु किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है। धर्म और मजहब को भी लड़ना है मिलके, सांप्रदायिकता और फासीवाद के खिलाफ। हमारी लड़ाई न उदारवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इतने न उदारवाद के खिलाफ है कि क्योंकि वो गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है, साम्राज्यवाद को ला रहा है। न उदारवाद जो है एक तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की गुंडागर्दी है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, कि हम लोकतांत्रिक कानून के राज पे आधारित पूंजी के खिलाफ नहीं। ये हमारा स्पष्ट, और इस आंदोलन को हम जैसे संगठन राजनीतिक आंदोलन जरूर करते हैं, कि राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन नहीं, बल्कि जनता का एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है जो दो चीजों को, राजनीतिक दलों को और एक संगठन, जब मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाके में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले बाबा साहब लड़ रहे थे तो पेशवाओं को बहुत दिक्कत होना शुरू हुआ। आपको पता है जब पेशवाओं को दिक्कत हुआ तो उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसके गुरु गुलबर्कर ने जिस तरह मुसलोनी की आत्मा को और हिटलर की आत्मा को यहाँ ले आए, आज मुसलोनी और हिटलर की आत्मा शास्त्रार्थ, सनातन के शास्त्रार्थ को ही काशी में नहीं खत्म किया, बल्कि जो है पुनः उस समय जो उपनिवेशवाद के साथ मिल करके अंग्रेजों से माफी मांग करके जो है उन लोगों ने इस देश को गुलाम बनाने की रास्ते पे ले गए, और आज न उदारवाद के साथ मिल करके इस मुल्क में कारपोरेट फासिज्म ला रहे हैं। और कारपोरेट जो है एक तरफ से क्या लाने की कोशिश कर रहा है, चुप्पी की संस्कृति। आप सोचिए दयानंद सरस्वती ने यही पर सनातनियों के साथ शास्त्रार्थ किया था, कोई मॉब लिंचिंग हुई थी क्या? और वही बात अगर कह रहे हैं कौन, स्वामी अग्निदेव तो उनको आप पीट रहे हैं गिरुआ में, ये क्या है? ये जो खतरनाक परंपरा है, क्योंकि आज सनातन को भी संकट पैदा हो गया है हिटलर और मुसलोनी की आत्मा से। सबसे खतरनाक बात यह है, नहीं तो इसी शहर में संत रैदास को जो है सब स्थान प्राप्त था, कबीर यहीं पे बुद्ध ने जो है मतलब अपना पहला उपदेश दिया, भगवान बुद्ध ने जो है यहीं पे जो है जैनियों के तीन तीर्थंकर पैदा हुए, आज उसको संकट पैदा हो गया। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, नौ दलित इसलिए कह रहे हैं कि दलित आंदोलन ने आजादी के बाद, कई बार पूछते हैं कि गांधी जी और बाबा साहब के बारे में आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं आजादी के लड़ाई का महानायक था गांधी, और आजादी के बाद, आजादी से पहले लड़ने वाले संघर्षों के बाद
इंसानों की मुक्ति का डॉक्टर लेनिन जैसे दानवी और अपर कास्ट सोच के रखने वालों को इंसान बनाने का मसीहा है बाबा वृंदावन। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी होगी इस मुल्क में, और तब हम जाकर खड़े होंगे टूटे हुए लोगों की एकता। वो एकता होगी शूद्रों और अतिशूद्रों की एकता महिलाओं के साथ, पर महिलाओं में भी हमको पता है कि जो महिलाएं ऊंची जातियों में पैदा है वो पितृसत्ता के खिलाफ लड़े, पुरुष बात के खिलाफ लड़े, परंतु उनको जात बात और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। साथ साथ जो ऊंची जातियों में पैदा हुए, मैं जानता हूँ आचार्य मित्रंजय त्रिपाठी जी से जब बात करता हूँ इन लोगों से, वो बड़े व्यथित थे 2014 में जो है के बाद का जो इलेक्शन हुआ, अभी जो इसमें योगी जी हुए, उन्होंने किसी पार्टी को वोट दिया था, उन्होंने कहा हमारी पार्टी नहीं जीती, कहा हो गए। तो उनका जो संकट है वो धोबी के कुत्ते न हो जाए, न घर के न घाट के, उनको घाट पे लाने के लिए दलितों और आदिवासियों के साथ, शूद्रों और शूद्रों के साथ, महिलाओं के साथ क्षमा याचना मांगते हुए, ये सर्वजन और जन कुछ नहीं होता है, ये एकता बनानी होगी, ये पहली एकता। दूसरी, टूटे हुए लोग अल्पसंख्यक लोग हैं, परंतु जो धर्म निरपेक्ष लोग हैं और जो धर्म है, याद करिएगा इस्लामिक स्टेट के लोग आए जिसने तीसरे और चौथे खलीफा को मारा था, वो लोग इस्लामिक स्टेट बना के इस्लाम का जो नुकसान की। और आपको याद रखना होगा, रसूल जब लड़के मदीना में पहुंचे मोहम्मद साहब, तो वहां पे यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, आदिवासी थे, उन्होंने एक मदीना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और जब मक्का को जीत के आए तो मक्का के लोग डर रहे थे कि मक्का में जो है रसूल ने किसी से भी जो है बदला नहीं लिया। ये धर्म की और मजहब की जो बात है, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आखिरी शादी की और साथ साथ जो हमें संविधान की प्रस्तावना दी, और आखिरी में जो भगवान बुद्ध के शरण में गए, उस भगवान बुद्ध ने कहा कि घृणा को घृणा से नहीं खत्म कर सकते, घृणा को हम मोहब्बत से खत्म कर सकते हैं। हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा घृणा फैलाती है, हम तो उनको गले लगाने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बुद्ध की परंपरा के लोग, भगवान बुद्ध की परंपरा के लोग हैं। परंतु हम बदला लेने में विश्वास करने वाले नहीं हैं, जैसे रसूल ने मक्का में बदला नहीं लिया। दलित जो है, आदिवासी, बदला लेना नहीं चाहता, वो न्याय मांगता है, वो आपके साथ जीतना चाहता है। अगर साहू जी महाराज से लेकर के जिन लोगों ने भी जो है मतलब दलितों का साथ दिया है, उसको दलितों ने रिकॉग्नाइज किया है, यह बात समझने की आज बहुत जरूरत है। दूसरी, तीसरी लड़ाई है न उदारवाद के खिलाफ, कि न उदारवाद गरीबों को तोड़ रहा है, वो चाहे किसी भी जात के हैं, भूमि ब्राह्मणों की हालत खराब है जो है। आज जो है दो मंदिर तोड़ दिए गए, दुर्गम विनायक तोड़ दिया गया यहाँ पे, क्योंकि अब धर्म का भी कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है, और वहां पे स्थितियां है कि जो संकट पैदा होने की कोशिश हो रही है, इस न उदारवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और ये सब हमारे बीच के अंतर विरोध रहेंगे, परंतु इस अंतर विरोध को मित्रतापूर्ण अंतर विरोध बनाना होगा, तब हम सनातन को भी, आचार्य साहब, सनातन को भी हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा से मुक्त कर पाएंगे, तब हम इस मुल्क को इस हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा से मुक्त कर पाएंगे। आज आदिवासी दिवस के दिन, अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिवस के दिन कह रहे हैं, हमें मुसोलिनी और हिटलर की आत्मा से हिंदुस्तान को मुक्त करना होगा, यही हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में बौद्ध, सनातनी, श्रवण संस्कृति के लोग, कबीर पंथी, रैदासी, भक्तकाल के लोग, सिख, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई, इस्लाम के मानने वाले लोग, नास्तिक लोग जो है, कम्युनिस्ट, वामपंथी, सबको एक होना होगा। ये लड़ाई हिंदुस्तान के अस्तित्व की है, ये लड़ाई हमारे संविधान में लड़ने की है। आखिरी बात केवल कह के जा रहे हैं, भगत सिंह नास्तिक थे, जनेऊ पहनने वाले चंद्रशेखर आजाद उनके वो हुआ करते थे पूजा करने वाले, और बिस्मिल्लाह खां भी थे, पर उनके बीच में अंतर विरोध होता था। आज ये समय आ गया है कॉर्पोरेट फांसीवाद में, जिस तरह से बचे खुचे जातिवाद ने, सामंतवाद ने, प्रतिसत्ता ने आरएसएस बना के कॉर्पोरेट के साथ जो कॉर्पोरेट फांसीवाद इस मुल्क में लाने की कोशिश की है, उसके लिए छोटे छोटे अंतर विरोध हम बाद में देख लेंगे। आप सब लोग एक साथ मिलके खड़े हो इस लड़ाई को। आखिरी में फिर मैं कहूंगा, जब मैं बोलूंगा कि हमारी लड़ाई पुरुषवाद से है, तो आप कहिएगा पुरुषों से नहीं, हमारी लड़ाई पुरुषवाद से है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, आप कहेंगे ब्राह्मणों से नहीं, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता से है, कि धर्म से नहीं। और हमें ये करना होगा,
हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा को बाहर भेजना होगा। इन्होंने गांधी को नहीं स्वीकार किया, कबीर को नहीं स्वीकार किया, जो है कबीर को नहीं स्वीकार किया, गांधी को नहीं स्वीकार किया, रैदास को नहीं स्वीकार किया, बुद्ध को नहीं स्वीकार किया। अगर आप इनको नहीं स्वीकार कर सकते, संविधान को नहीं स्वीकार कर सकते, बंच ऑफ थॉट में गुरु गोलवरकर जो लिखते हैं, ये हमारी भारत की आत्मा की आवाज नहीं है, ये जो है एक षड्यंत्र है। जो उपनिवेशवाद जा रहा था, अंग्रेजी उपनिवेशवाद, जब हमारे खानदान में 37 लोग फांसी पे चढ़ रहे थे, जो है हमारे बाबा और बाबा के चाचा दसियों साल तक जेल में अंग्रेजों के रहे, हमने अपनी समझदारियां जो है खोई है, जो है उसके बाद वो लोग मिल करके माफी मांग रहे थे, और जो है वो एक नई आइडेंटिटी जो है कहा वेद और उपनिषद में लिखा है कि हिंदू है, सनातन था, उसको संकट पैदा किए, और साथ साथ उन्होंने जो जाति व्यवस्था टूट रही थी, जो मोहब्बत बढ़ने वाली थी, उसको रोकने की कोशिश की। अरे तुमसे सो अच्छा तो बाबा भीमराव अंबेडकर है, जो बुद्ध की शरण में जाकर के बता दिया कि अगर तुम्हारी बिरादरी से उठा हुआ कोई व्यक्ति जन्मना अगर कोई मुक्ति का रास्ता खड़ा करेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, परंतु आप आज भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, हमको तैयार होना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं होंगे, इसीलिए जिग्नेश मवानी जी को बुलाया गया है कि निर्दलीय विधायक होते हुए ऊना पे लड़ते हुए जिस तरह से उन्होंने प्रतीक बनाया है वहां पे, आप हम लोग तो बनारस में आजकल नहीं बोल पा रहे हैं, गुजरात की क्या हालत होगी, जिस तरह का प्रतीक बनाया है, हम लोग इसलिए मिलना चाहते हैं कि हमारा भी इसमें हित है, हमारा हित हमारी दादी का हित है, बड़ी पक्की सनातनी थी, हम चाहते हैं कि सनातन की आत्मा जो हिटलर और मुसोलिनी से मुक्त हो, मनुस्मृति से मुक्त हो। अगर ऐसा हो पाया, उस पर भी बड़ा शक है, अगर ऐसा हो पाया तो बहुत खूबसूरत होगा। उसमें हम मदद मांगने के लिए आए हैं, दलितों से, आदिवासियों से, औरतों से, आइए हम एक नया भारत बनाएं। जो है हमको क्यों दिक्कत है किसी ऐसे नेता से जो दलित है, हमें क्यों दिक्कत है कोई हमारा नेतृत्व कोई जो है विश्वास क्यों नहीं कर सकता, हमारा नेतृत्व कोई जो आदिवासी और महिला क्यों नहीं कर सकती। हमको ये सोच बदलनी है, तभी आप असली भारत बना सकेंगे। अभी भारत बना नहीं है, नव दलित आंदोलन इसी का चिंतन है। आखिरी में इतना कहेंगे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हार, जो घर फूको आप लोग हो हमारे साथ। एक आईडी लोग आईडी वाले पूछ रहे थे अब सियारे हो ना, हमका भी मेला है सियारे, परम देश का आत्मा न बेचो, ये देश की आत्मा बना सुविधा के बीच का सकता है। धन्यवाद।